अभिमन्यु साहब आपने तो कमाल कर दिया, आप अपनी बहन के बच्चों को इतना मानते हैं। और है ही कौन मेरा, दीदी और मैं थे, दीदी के बाद ये बच्चे ही मेरे सब कुछ है। एंड नाउ इनके फ्यूचर को सिक्योर करने का टाइम आ गया है। वो तो ठीक है सर, बच्चों के नाम ट्रस्ट तो बन जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक नाम और जोड़ दें। इट इज ऑलवेज बेटर कि ट्रस्टी दो। यशोक जी की तस्वीर है ना? हाँ, बिजनेस वगैरह में उठना बैठना है। कहीं आप इन्हें तो ट्रस्टी बनाने की नहीं सोच रहे हैं ना? नहीं नहीं, क्यों, आप कोई केस हैंडल कर रहे हैं इनका? नहीं नहीं, वो आए थे मेरे पास, कोई लड़की है उसने रोमी भल्ला के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया है। What? अशोक जी उसकी हेल्प कर रहे हैं। फिर मैंने पता लगाया कि ना तो अशोक जी को सारिका से कुछ लेना देना है, ना ही रोमी भल्ला से, फिर न जाने क्यों किसी और के फटे में टांग अड़ा रहे हैं। Have a nice day. Thank you. रोमी तो इशू का देवर है, अशोक उस पे केस क्यों कर रहा है? कहीं अशोक खन्ना रमन की पोजीशन तो नहीं चाहता और इस केस के चक्कर में रमन को बदनाम करना चाहता है। ईशु को यह सब बताना होगा, इससे पहले इट्स टू लेट। मनी मनी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं पूरा दिन तुमसे बात नहीं कर पाई। एक्चुअली करवा चौथ की पूजा चल रही थी ना, और इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं ना कि। ईशु मेरी बात सुनो। क्या हुआ मनी, सब ठीक तो है? रोमी और सारिका के बारे में बात करनी। What? रोमी और सारिका, तुम्हें इनके बारे में कैसे पता? What? मतलब सारिका ये अकेले नहीं कर रही है, उसे भड़का रहा है अशोक। ये अशोक हमारा पीछा कब छोड़ेगा? पता है इसके कारण हमारे घर में इतना बड़ा तमाशा हो चुका है अब तक। थैंकफुली आज करवा चौथ है इसलिए सब लोग चुपचाप बैठे, लेकिन मनी इट्स रियली सीरियस। मतलब अभी इस मामले के कारण रमन की पोजीशन पे अफेक्ट पड़ेगा। तुम नहीं जानते बनी, रमन के लिए पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत खुश है इस बात को लेके। देखो बनी, आई रियली नीड योर हेल्प। अब तक ना रमन ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मैं उन्हें डिसअपॉइंटेड होते हुए नहीं देखना चाहती बनी। डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ लेकिन सुनो, हम जो भी करेंगे ना हमें बिल्कुल चुपचाप करना होगा। रमन को नहीं पता लगना चाहिए कुछ भी, क्योंकि पता है वो ना बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। उन्हें पता लगेगा ना तो वो अपनी एशिया हेड की पोजीशन ही गिव अप कर देंगे। वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनफैक्ट पहले भी उन्होंने मेरे लिए रिजाइन किया है एक बार। बस 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 इशू, मैंने कहा ना मैं हूँ तुम्हारे साथ, मुझ पे छोड़ दो, मैं सबको संभाल लूंगा। एक काम करो, कल मुझसे मिलो, हमारे पास अभी भी टाइम है, एशिया हेड अनाउंस होने में 2 दिन बाकी है, तब तक कुछ ना कुछ संभाल लेंगे हम। नंदन भाभी शॉपिंग जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। आपको पता है शगुन, शॉपिंग ना मेरे लिए एक हॉबी है। आई एम एवर रेडी फॉर शॉपिंग। मीर इतना परेशान हो जाता है ना, उससे मिलने के लिए ऑफिस बंक नहीं करूंगी, लेकिन शॉपिंग के लिए हाफ डे ले लूंगी। मैं सोची थी मैं अक्का को बुला लूं। चलो वो यहीं पे है तो यू डोंट माइंड ना? नॉट एट ऑल। अच्छा ठीक है, मैं फोन करती हूँ। सब रखिए। एक मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ मीका। मीका? हाँ का, कहाँ हो? मैं अभी। नहीं नेशु, उससे कुछ मत कहना। मैं क्लिनिक के पास। क्यों, क्या हो गया? ओहो क्लिनिक पे हो क्या? हाँ इट्स ओके, काम भी इम्पोर्टेंट है, यू कैरी ऑन। कुछ इम्पोर्टेंट काम था? वो हम ना खान मार्केट आए हुए हैं, तो मैं और शगुन, तो मैंने सोचा कि आप आ जाओगे तो मजा आएगा ना। ट्राई करो ना अक्का, शाम तक भी आ जाओगे तो चलेगा। ठीक है ठीक है, ओके चीकू, अगर मैं होंगी फ्री तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। सॉरी इशु, झूठ बुलवाया, मुझे लगता है ये बात हमें किसी से। नो वरीज, मुझे खुद को लगता है कि अभी हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। चलो अक्का क्लिनिक में नहीं आ पाई, मैंने पूछा शाम तक आ सकती हो तो आ जाओ क्लिनिक। हाँ तो शाम को। बहुत प्यास लग रही, मैं गाड़ी से पानी ले आऊं क्या? अपनी बहन से झूठ बोल, इस सत्यवादी बहन जी को क्या हो गया? अशोक ठीक कहता है, कुछ ज्यादा ही याराना लगता है ईशिता और अभिमन्यु का, कुछ तो चक्कर है। एक तरफ इस लड़के के साथ घूम रही है,
एंड दूसरी तरफ अपने फैमिली से झूठ कह रही है। नहीं मानेगी सारिका, मैं बोल रही हूँ ना, वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। आई जस्ट होप कि तुम्हारे लॉयर्स कुछ अच्छा सजेस्ट कर पाए। नहीं यशु, मैं सोच रहा हूँ लॉयर नहीं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। नो मनी, वोंट वर्क, वो सुन नहीं रही है। यशु, मैं बात करता हूँ उससे। आई एम लाइक अ न्यूट्रल पार्टी, उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट अ बल्ला, रोमी के साइड का नहीं हूँ। हो सकता है कि मुझ पर ज्यादा भरोसा कर ले, और तुम्हें तो कहती हो कि सारिका अच्छी लड़की है, समझदार है, बस गुस्से में है, समझाना है, दैट्स इट। Are you sure, Mani? हाँ। I'm sure, obviously I'm sure. वैसे भी लड़कियां मुझे कहाँ मना कर पाती हैं? I'll use my charms. Yeah, your charms. I know. तुम्हें पता है? ये यूरोप नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ लड़कियों के साथ बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। पर तुम ना, तुम पिटनी की तैयारियां करते हो हमेशा। पागल। क्यों? क्या किया मैंने? क्या किया है? मैंने तुम्हें कितने बार बोला कि मुझे बार बार फोन मत किया करो। पता है रमन कितना गुस्सा करते हैं तुम्हारे हर फोन पे, और तुम्हारा एक एक मिनट पे कल कॉल आ रहा था। रमन का पारा वहाँ चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। इतना नाराज हो रहे थे बार बार, एंड टिपिकल हस्बैंड्स वाली हरकतें कर रहे थे। वो मेरे मैसेजेस पढ़ने जा रहे थे, तो थैंकफुली मैं टाइम पर आ गई और मैंने रोक लिया। नहीं तो मैसेजेस पढ़ लेते और चेक कर लेते तो उन्हें पता लग जाता कि हम ये सब प्लान्स बना रहे हैं। एंड वैसे भी उनको तो मेरा कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये सब बातें उनसे शेयर भी नहीं कर सकती हूँ मैं। समझ ही नहीं आता बात कैसे करूँ मैं तुमसे। एक काम करते हैं, कोर्ट में बात करते हैं। हो सकता है कि तुम अपने फोन में मेरा नाम चेंज कर लो। जैसे? जैसे कि हम मनी हैं, मनी रत्नम। क्या हुआ? मनी रत्नम इज टू फेमस। नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। मनीषा करें क्या? रमन भी ना, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए, समझ में नहीं आता इनका मुझे। मैसेजेस के रिप्लाई देते हैं ना, फोन के कॉल बैक करते हैं। ही जस्ट डजंट केयर। माना कि रोमी के लिए गुस्सा है, लेकिन फिर भी अपना गुस्सा पूरे घर पर क्यों निकालना है? उन्हें फिक्र नहीं इस बात की कि घर पर कोई इंतजार भी कर रहा होगा। गार्ड को फोन लगा के देखती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ भैया, मैं इशिता। भैया आपके रमन भैया कहाँ हैं? सर को फोन दीजिए। मैडम जी, सर अभी थोड़ी देर पहले निकले। आज थोड़ी देरी हो गई। ठीक है, थैंक यू। चलो आ जाएंगे। ईशु। हाय। सोए नहीं अभी तक? नो, रमन ही नहीं आया अभी तक। शायद देर तक काम करते रह गए आज। अच्छा मुझे ये बताओ ना, हमारे प्लान का क्या हुआ? I'm sorry Ishu, सारिका से मिल नहीं पाया मैं। लेकिन first thing tomorrow morning, I promise. उसके घर जा रहा हूँ उससे मिलने। Don't you worry. कैसे वरी नहीं करूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना, मैं हूँ। सब संभाल लूंगा। अपने मणि पर भरोसा नहीं है? हाँ? Of course. तो ठीक है, अब सो जाओ वरना डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। प्लीज कुछ कर डाल हाँ जल्दी। Good night. Bye. ये नहीं सोने वाली। मणि सही कह रहा था, मुझे सो जाना चाहिए, कल इतना काम है। I just hope मणि सारिका को मनवा ले।